हेलो बच्चों, सो एग्ज़ाम हो चुके हैं। आई होप कि एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। तो अब कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि भाई अब एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब क्या करना है। तो CMA के जितने भी बच्चे हैं वो सब ये वीडियो जरूर देख रहे पूरी। एंड अब देखो कि आपको आगे क्या क्या करना है। सबसे पहले CMA फाइनल के बच्चों की बात करता हूँ जिन्होंने बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम दिए थे। देखिए, अगर आपके बोथ ग्रुप की पढ़ाई एक बार फिनिश हो चुकी है, सो इट्स द टाइम देन यू शुड गो फॉर जॉब। सो फ्यूचर में अगर आप जॉब पे ही जाना चाहते हो, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो इट्स बेटर आप किसी कंपनी को पकड़ो और जॉब करो। और एल्स आप ट्रेनिंग भी कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको फ्यूचर में जॉब ही करनी है तो अभी से ही आपको जॉब करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब वो बच्चे जिन्होंने एक ग्रुप का पेपर दिया है और दूसरे ग्रुप का देना है जिसकी प्रिपरेशन नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है बच्चों, जब तक आपको प्रिपरेशन करनी है तब तक आप आराम से घर बैठ के अपना पूरा टाइम पढ़ाई कर दो, क्योंकि अगर आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज एक बच्चे को काफी दिक्कतें आती हैं। सो इट्स बेटर एक बार पढ़ाई खत्म कर लो उसकी तरह, उसके बाद आप जॉब या प्रैक्टिस के लिए जाओ। सो ये तो हो गई CMA फाइनल के बच्चों की बात कि भैया पढ़ाई फिनिश करो, उसके बाद अपना जॉब ट्रेनिंग देखो। बात करता हूँ मैं इंटर के बच्चों की जिन्होंने सिंगल ग्रुप का पेपर दिया इस बार। तो सिंगल ग्रुप का पेपर दिया, आपको लगता है अच्छे से पार हो जाएगा, तो जल्दी से सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि सेकेंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप का आधा है। और शिद्दत से पढ़ते हो ना, अभी से 4 से 8 घंटे अगर आप देते हो तो अगले 20 दिनों में सिर्फ जनवरी के अंदर अंदर आप अपना सेकेंड ग्रुप फिनिश कर सकते हो। फिर जब रिजल्ट आएगा, डजंट मैटर रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपके पास बहुत टाइम होगा दोनों के दोनों ग्रुप्स को अच्छे से कवर अप करने के लिए। वो बच्चे जिन्होंने बोथ ग्रुप के एग्जाम दिए, सो इफ यू फील के आप पास हो जाओगे, सो कोई भी एक फाइनल का सब्जेक्ट उठाओ जो इंटर से थोड़ा मिलता जुलता हो। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट लॉ, वहाँ भी है कॉर्पोरेट लॉ, आपने यहाँ भी पढ़ा है, सो उसको पढ़ना शुरू करो। फाइनल का किसी एक सब्जेक्ट को आप उठा सकते हो, उसकी पढ़ाई शुरू कर दो। लेकिन आपको ये लगता है कि भैया एग्जाम तो चले गए लेकिन पास होने की कोई उम्मीद नहीं है, सो अगर आपको चांसेस कम लग रहे हैं तो फिर आप, अगर पास होने के चांसेस आपको कम लग रहे हैं तो फिर आप दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, बिल्कुल शिद्दत के साथ एकदम अच्छे से। एंड बीच में गैप नहीं देना, वेट नहीं करना एग्जाम के रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट का वेट करना इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। नाउ फाउंडेशन के बच्चों की बात करते हैं जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। सो वो बच्चे जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दे रखा है, तो भाई आप लोग इंटर की पढ़ाई शुरू कर दो, आपको पता होगा आपके एग्जाम कैसे गए हैं। एंड लेट मी टेल यू कि इंटर में जब भी आप फर्स्ट ग्रुप या बोथ ग्रुप, चाहे आप जून में दो या दिसंबर में दो, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, तो इट्स बेटर कि अभी से ही अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए फुल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम किया जाए और अभी से ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया जाए। और वो बच्चे जो फाउंडेशन का भी एग्जाम देंगे फ्यूचर में, तो भैया फाउंडेशन बहुत ईजी है, बस टेक्स्ट बुक पे फोकस करो, डेली 2 घंटे भी पढ़ लोगे, जस्ट 30 मिनट्स पर सब्जेक्ट आज से लेके एग्जाम के लास्ट दिन तक, तो आपके लिए इनफ है, बहुत आराम से पास हो जाओगे। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है इंस्टीट्यूट की, जस्ट उस पर ही फोकस करना है। सो बस कहने से मेरा इस वीडियो को बनाने का जो प्रॉपर एम था वो ये था कि भाई अब खाली ना बैठें, आप रिजल्ट का वेट ना करें, अभी से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और किसी एक अपनी हॉबी पे या फिर पैशन जिसे हम कहते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटी पे भी थोड़ा सा टाइम दें। देखो पढ़ाई अच्छी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। ये तो मतलब भगवान की कृपा है आपके ऊपर, ऐसा टाइम है कि अब आपको कोई टेंशन नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ा सा रिजल्ट की होगी, लेकिन पढ़ने की अभी कोई टेंशन नहीं है, तो इसमें कुछ खुद पे काम करें, चाहे गाना सीखें, चाहे डांस करना सीखें, कुछ भी सीखो, स्पीकिंग स्किल्स सीखो, बट अपने अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करो एंड अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। देखो फ्यूचर में आपकी जो पढ़ाई है ना, ये आपको एक लेवल तक ले जा सकती है, उसके आगे आप कितना जाओगे ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो एज आई से, वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एंड जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट योर स्टडीज बाय नाउ। ठीक है बच्चों, एंड अगर किसी को भी पढ़ाई से रिलेटेड, आगे करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं फ्री होकर आपको जरूर कॉल करूँगा। सो